ये बताइए, इसमें आप देखिए केस डायरी में कोई स्थान का दूरी ही नहीं है जहां लाश पाया गया, कितना दूर है वहां से घर से। आपसे बेटर तो जो हेड कांस्टेबल होते हैं वो करते हैं, दूरी कम से कम लिखते हैं। आप देखिए क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन तरीका है। जहां सरकमस्टेंशियल एविडेंस हो वहां विषय जरूरी होता है सब चीजें। एक मिनट आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं उसके, हाँ यार, आपने लिया है स्टेटमेंट, उन्होंने रिलेवेंट ये नहीं बताया कि वो जो घटनाक्रम ये हुआ है, आपने घटना स्टेटमेंट लिया कि नहीं लिया मर्ग जांच में, है? मर्ग जांच में मर्ग जांच में लिए हैं सर। कहाँ है इसमें है? नहीं सर, चालान चालान के साथ पेश नहीं किया। चालान के साथ पेश ही नहीं करते मर्ग स्टेटमेंट, ऐसे ही आपका के साथ हो जाता है, उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाता है। संलग्न माननीय से निवेदन है कि थोड़ा सा सॉरी। सॉरी किस बात का, आप तो केस खत्म कर दिए ना। प्रेस फार एंड इज ग्रांटेड टाइम टू कॉल कंसर्निंग आई यू, आ चुके हैं मैडम, आए बिफोर नहीं श्रीनगर कोर्ट। किस पॉइंट पर बुलाए थे इनको? मैडम साहब, इसमें इंसिडेंट है 15/3/2024 का, 302 का है ना? 302 302/34, तो 32 बाद में हटा दिया, 302 ही रहा, एक ही अक्यूज है क्या? एक ही अक्यूज बात। आपकी घटना है घटना है लोशी 15/3/2024 की रात की 1 बजे, हाँ, FIR प्रेजेंट एप्लीकेंट ने की है लोशी 15/3/2024 मॉर्निंग में करी है 8:26। 8:26 जी, मृतक कौन है? मृतक है लोशी प्रेजेंट एप्लीकेंट की वाइफ है, वो बहू है लड़के की वाइफ, सन्नू सन्नू भाई। क्या डॉटर इन लॉ है? यस डॉक्टर, पति का नाम इसके? कमलेश। कमलेश, कमलेश पति कमलेश। कैसे डेथ हुआ? लोशिप मैं FIR थोड़ी सी पढ़ लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं ग्राम ढेकर बड़ी का रहने वाला हूँ, ढेकर बड़ी में माल पर झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रहा हूँ और वहीं से खेती किसानी करता हूँ। आज मैं मेरी औरत बदी भाई डामोर व सन्नू पति कमलेश डामोर, लड़की अज्जू डामोर व लड़की भूरी पति केवल बिलवाल घर पर थे। शाम 9 बजे खाना खाने के बाद घर के बाहर सभी सो गए थे। रात्रि 1 बजे के लगभग जूता चप्पल की आवाज आई तो मैं उठा और बीड़ी पीने लगा तो एकदम से आवाज आई कि बेरी को पकड़ लो, बेरी नहीं नहीं जाए, घेरो डाल के पकड़ लेना, भाग न जाए। फिर गाली दिए लक्षित, आवाज नरसिंह भामोर निवासी ढेकल बड़ी की थी। मैं डर गया और माल के नीचे तरफ भाग गया। मेरी बहू सन्नू पति कमलेश डामोर भील निवासी 32 वर्ष ढेकल बड़ी की वहीं सो रही थी तो उसे उन लोगों ने खाट से उठाकर उखेड़ा के पास ले जाकर जान से मारने की नीयत से पत्थर मारे। मैं चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, तो गांव के प्रेम सिंह पिता तोलिया, नजरू पिता वर सिंह और कालू पिता वर सिंह भूरिया आ गए, जिन्हें देखकर वे लोग वहां से भाग गए। मैंने घर आकर देखा तो मेरी बहू सन्नू को सिर आंख गाल पर मुंह पर चोट लगी थी तथा खून निकल रहा था। मैंने बहू सन्नू को हिला डुला कर देखा तो मेरी बहू की मौत हो चुकी थी। प्रेम सिंह नजरू कालू ने भी देखा था तो बहू सन्नू की मौत हो चुकी थी। बाद में सरपंच दीपक भूरिया को घटना की बात बताई। मेरी बहू की लाश को जिला अस्पताल झाबुआ में रखने के बाद सरपंच दीपक भूरिया को साथ लेकर मैं थाने रिपोर्ट करने आया हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, ले गए थे ये? ये लॉर्डशिप उसके घर के पास में जो गोबर डालने की जगह रहती है वो, आपने नक्शा बनाया, उसमें कोई स्थान नहीं दिखाया, उसे घर से कितना दूर है? सरकमस्टांशियल एविडेंस में तो बहुत महत्वपूर्ण था। चार्जशीट, चार्जशीट आप कहीं शो ही नहीं हो रहा है कि घर से कितना दूर है जहां पर उसका डेड बॉडी पाया गया था। सेशन स्टाइल में यही इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? ये बताइए, इसमें आप देखिए केस डायरी में कोई स्थान का दूरी ही नहीं है जहां लाश पाया गया, कितना दूर है वहां से घर से।
आपसे बेटर तो जो हेड कांस्टेबल होते वो करते हैं, दूरी कब से हम लिखते हैं। आप देखिए क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन तरीका है। जहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो वहां विषय जरूरी होता है सब चीजें। क्यों नहीं बताया आपने ये सब दूरी? और एक और किसी का नाम आया था उसमें, जो नाम आया है नरसिंह भामोर का, उसका इनिशियल एफआईआर में भी नाम बोला है कि नरसिंह की आवाज आ रही थी, पर नरसिंह का स्टेटमेंट आपने 16/2/2024 का सबसे लास्ट पे, मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक है, चालान का सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है। टाइपिंग क्या क्या मिस्टेक देखेंगे, मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो 16/3 का है। उसपे उसका स्टेटमेंट ये कह दिया कि विवाद था, इनका जमीन का विवाद था, इसलिए इसका नाम लेते हैं सबसे लास्ट पेज पर। उसके बयान में कोई, अच्छा इसका बयान तो लिए नहीं होंगे फिर, मुलजिम का नहीं, उसका नरसिंह का ले लिया। हाँ नरसिंह का है, नहीं इसकी बात को मान लिए, इसकी बात मान ली नहीं। मलड फर्दर द कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन मलड, ये जो मलड है इससे जब्ती की है, तो इसके शर्ट भी मलड जब्ती की है, किसकी? सुल्तान की। तो वो तो खून आलूदा है, वो तो अस्पताल लेके गया है, वो तो लगेगी, वो तो खुद अस्पताल लेके गया है उसको। अस्पताल ले गया तो खून तो लगेगा ही उसमें, अस्पताल खुद लेके गया है सरपंच को बुला के, वो पत्थर वहीं से जब्त कर लिया है आपने स्पॉट पे से, वो भी स्पॉट पे से सीज कराया आपने, जहाँ पे वो खटिया के वहां से उसको उठा के लेके गए थे और मारा था। जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसके में कुछ रिलेवेंट जो है 15 तारीख का आपको बता देता हूँ, उसमें ये जाके हमने वहाँ पे ट्रेस भी किया, तो ये जो जिसका बता रहे हैं ये आरोपी का, वो उसके घर पे उपस्थित मिला, वो उसका घटना स्थल के आसपास कोई लेना देना ही नहीं आया। वो जब पुलिस उसको सीधे पकड़ने गई, जब पहली बार ये ट्रेस हुआ कि उसका नाम है भैयार में, उसका रिलेवेंट मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ एफआईआर में नहीं है बोल रहे हैं आप? नहीं एफआईआर में है मलर में, जो उससे उसको पुलिस जब पकड़ने गई, जब उसको पहली बार ये ध्यान में आया कि मेरा नाम एफआईआर में और मेरे खिलाफ एफआईआर, जबकि वो घटना स्थल पे ही नहीं था, ये जिसके जिसको इन्होंने आरोपी बनाया, घटना स्थल पर नहीं था, ये डिसाइड कौन करेगा? और कोई कार डिटेल और वो भी नहीं लगाया कि आपने कोई लोकेशन, कौन करेगा? लिया पहली बाई का निष्कर्ष क्या योजना अधिकारी कर लेगा अपने आप में? सस्पेक्टेड है दोनों को, वो क्यों नहीं बनाए ये? ये एफआईआर में क्लियर कट उसका नाम आया है, और मेरे को तीसरे दिन ही अरेस्ट कर लिया, और स्टेटमेंट सब बाद में आए लोशन, जो स्टेटमेंट आपने बनाए भी है बाद में उसकी फैमिली मेंबर्स के, वो 7/5/2024 को आपने स्टेटमेंट, इसलिए मुलजिम का कथन लेंगे आप डायरेक्ट एविडेंस हो तो भी वो कहेगा कि हम नहीं थे वहां पर, ये मान लिया उसकी बात को। 70 साल की एज है, इसको मारना होता तो घर में ही मार खत्म किया होता, तो मारने के बाद जाकर फेंका होता। ये मतलब उसके इसके फैमिली मेंबर्स कोई थे कि नहीं घर में? चार जने हैं, उनके स्टेटमेंट नहीं लिए, स्टेटमेंट भी नहीं लिए। नहीं मतलब ये उसकी वाइफ, एक मिनट आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं उसके? हाँ आपने लिया है स्टेटमेंट? उन्होंने रिलेवेंट ये नहीं बताया कि वो जो घटनाक्रम ये हुआ। आपने स्टेटमेंट लिया कि नहीं लिया? मर्ग जांच में लिए हैं सर। कहाँ है इसमें? है नहीं सर, चालान के साथ पेश नहीं, चालान के साथ पेश ही नहीं करते मर्ग स्टेटमेंट, ऐसे ही आपका के साथ हो जाता है, उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाता है। मेरे को तो आपने 17 तारीख को मर्ग से पहले ही अरेस्ट कर लिया, 17 आपने सबसे पहले एक ही काम कराया है मेरे को अरेस्ट करने का, बाकी इन्वेस्टिगेशन सब आपने बाद में किए। उसके बाद मतलब एक 28 उसको भी लिए, 28/3 को लिए। ये केनू पिता गुल्ला, नहीं ये केस तो हमको समझ नहीं आ रहा है कैसा है, ये इन्वेस्टिगेशन क्या है? सिर्फ पहली बार मतलब हर आई विटनेस में भी पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो नहीं थे वहां पर,
उसी आधार पर छोड़ दिए उसको, मान बैठे कि एकदम मर्डर तो यही है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है ना, मौका नक्शा देखिए ना, पिछली बार ही ध्यान गया था, इसी बार भी ध्यान गया था, एक चीज दूरी नहीं दिया गया कि कहां से कितना दूर है घटनास्थल से, उसे घर में पाए गए हैं ब्लड स्टेन मिट्टी, वो वहां से घटनास्थल पे से मतलब पत्थर पे भी पाए गए, पत्थर पे भी है, उसकी बॉडी पे भी है, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए हैं तीन लोगों के साथ में। उसके पड़ोसी कौन कौन है? कोई है पड़ोसी नहीं है, ये अलग अलग डेरे बना के एक ही घर है, तो इसकी फैमिली वाले चार लोग हैं वहां, उनका विटनेस नहीं देखे, उसका स्टेटमेंट देखे हमारे फैमिली मेंबर्स का, एक वो फैमिली मेंबर्स नहीं, ये लड़की 7 साल की है, रानू तो विटनेस है उसमें, रानू तो विटनेस है उसमें, कालू भी विटनेस है, पन्नू भी विटनेस है, तो 660 इसमें भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है वो स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं कि मर्द के हैं, ये तो 7-5 को और 6-6 को जो बयान लिए वो। ये तो ऑलरेडी जो है लिए बोलिए काम, जो वो लोग वहां पे उनका नहीं, मर्द में भी इनको ऐसा लग रहा है पूरी तरह से वो छोड़ना ही था, जिसका नाम FIR में नामजद था उसको छोड़ना था, छोड़ना, इसको जो एक्यूज करना था, एक्यूज बनना था वो उसको छोड़ दिया। वो मूल डायरी लेके आए, मूल डायरी और कोर्ट में मतलब या तो इसको आप जो है नेक्स्ट वीक कर दे तो मैं मूल केस डायरी जो कोर्ट में जमा उसको, उसको तो चार्ज का पार्ट ही नहीं है, आप कैसे बिलीव करोगे उसको, चार्जशीट का पार्ट ही नहीं है वो। हम देखना चाहते हैं इनकी सच्चाई क्या है, देखने में तो आ गया कि बिल्कुल बचा दिए एक व्यक्ति जो नामजद था, और नामजद था तो इसमें लगाए क्यों नहीं, 195 क्यों नहीं लगाए, आत्मा पेश किए इस केस में जी, आत्मा पेश किए नामजद रिपोर्ट था तो क्या अपने आप कर लेंगे उसको, FIR में किसी का नाम आ गया एज ए असॉलेंट देन यू हैव पावर टू उसको छोड़ने के लिए, उस पावर है आपको, सिर्फ उसका बयान ले लिया, आप आई विटनेस का बयान लीजिए ना, जो आई विटनेस का केस हो, मर्डर का बयान लीजिए, वो बोलेगा हम नहीं थे वहां पर, छोड़ देंगे आप, है क्या इसकी शक्ति आपको, बोले तो इसको कंक्लूड करना था जो उसके नाम से FIR था, आत्मा खारिज करता तो इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखते आप और ये इस केस में आते, ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही आपका मोटिव था उसको बचाने के लिए। घटना सही है, और क्या नाम है आपका? मैं राजू सिंह बगी। मुझे कोई प्री एमिनिटी है जो आपने तो प्री एमिनिटी जो कोई डॉक्यूमेंट जो चीज चीज की है इन्वेस्टिगेशन कोई डॉक्यूमेंट भी बचा रखा है उसने जो बोला वो लिखी, अरे आप देख लीजिए फैमिली मेंबर्स के तक की स्टेटमेंट नहीं है इसमें, जो घर में उपस्थित थे घटना के समय, क्या कंडक्ट शो कर रहा है इनका, क्या उन्हें इनको लिखा जाए कि ये योजना के लिए योग्य नहीं है, कुछ नहीं आता इनको, क्या एक्सप्लेनेशन है आपका? उसके संबंध में क्या है अपने वो आरोपी नहीं बन गया है और इसके फैमिली मेंबर के साथ आप
संलग्न माननीय से निवेदन है कि थोड़ा सा सॉरी सॉरी किस बात का, आप तो केस खत्म कर दिए ना, जो नामजद था उसको आप छोड़ दिए, और ये है कोर्ट छोड़ दे कि डाउट आप बेनिफिट में मारा इन्होंने ही बिल्कुल, वो तो आप बोलेंगे ही मारा है ना, क्योंकि आपने उसका पता बयान ले लिया जो मेन कल्प्रिट होना कहा गया था नरसिंह भामर, उसका आपने बयान ले लिया, वो बोल दिया हम तो वहां थे ही नहीं, आपने मान लिया उसको। आप देखे थे क्या घटना को, मारा था वो? ये तो सरकमस्टेंसेस एविडेंस का ही केस है, वाले डिस्पार्ट पे कोई भी नहीं था, क्या सरकमस्टेंस है और इसके खिलाफ कोई ब्लड स्टेन क्लॉथ है इसके, हाँ तो अस्पताल ले गया है, अस्पताल ले इंटीमेशन दिया है तत्काल, इसके जो है ब्लड स्टेन भी जो आया वो शर्ट के पीछे के हिस्से पे भी ये है उसमें रिपोर्ट में भी, पीछे हो या आगे हो, पीछे कैसे लगेगा, मारेगा वक्त पीछे कैसे लगेगा, एडमिटेडली वो तो हॉस्पिटल लेके गया है, हॉस्पिटल लेके गया है, पीछे लगना कोई क्या है कि उसने जो कैसे मारा है उसके पूरी बातें उसने बताई है, और उसने जो प्रतिका को जो पकड़ के मारा है तो उसने ये जो उसको ऐसा पकड़ के मारा है, और उसको जब वो छुड़ाना चाह रही थी वो भी मारना चाह रही थी, इसने पत्थर उठा के मारा, तो जो शर्ट के जो सामने वाला ब्लाउज है वो पूरा फटा हुआ। कहाँ पर मारा था ये? ये उसके घर के जस्ट बगल में साइड में कम से कम 15-20 feet की दूरी पे, वो भी तो इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कितना दूर है, आपने पूरी नहीं लिखा है इसमें, वही वही है थोड़ा सा डिस्टेंस वो नहीं किया है, थोड़ा सा में दो केस बिगड़ जाता है ना। जी जी, बाकी घटना सही है, उसने जो मारा है उसने डेमो भी किया है, उसने कैसे मारा है क्या नहीं, आपका बात हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी है ठीक है, लेकिन दूरी तो बताना चाहिए था, वहां किसी घर नहीं है आसपास में, लोग आएंगे, क्या मोटिव था इसको मारने का, ये भी होना चाहिए, क्या मोटिव उसमें ये कि ये वहां बैठी थी तो वो पलंग में सोई थी, ये भी साइड में सोए थे, करीबन 10-10:30 के आसपास बहू को बोला कि अभी मोबाइल पे बात करना बंद कर दो, या मोबाइल चलाना मोबाइल चलाना बंद कर दो, पहली बार बोला तो उसने नहीं किया, दूसरी बार फिर बोला बच्चे को भेजा कि उसको बंद कर दो मोबाइल वो करें, तो वो उसने नहीं किया, फिर बाद में जब वो तीसरी बार बोला कि बंद कर दो मोबाइल अभी मत उसको देखो, तो फिर उसने बोला है कि तुमने क्या, जो महिला है सन्नू ने बोला है कि तुमने मुझे क्या खरीद लिया है क्या, इस बात को वो गुस्सा आया और इस बात को लेके फिर बात में कॉल डिटेल लगाए हैं, कुछ समय तक उसका मोबाइल ऑन था, कॉल डिटेल नहीं मैंने वीडियो और ये जो देख रही थी, हाँ तो उसको लगाया है क्या कुछ, मेन चीज आप छोड़ दिया ना, विवेचना किए ही नहीं किसी चीज का, ताकि उसका सपोर्ट हो उसके मेमोरेंडम का कि उस समय बातचीत चल रहा था दोनों में, आप इतने पुराने सीनियर ऑफिसर हैं, ये सब आप यहाँ जो बता रहे हैं कोर्ट कैसे मानेगी आपको, आपकी बात को, मेमोरेंडम ग्राह्य है क्या, एविडेंस एडमिसिबल है, उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस की आवश्यकता, कनेक्टिंग कॉल कन्वर्सेशन होता कॉल डिटेल पे, उसे पता चलता कि था कि नहीं था उस समय मोबाइल ऑन था इसका।